आज हम डिविजिबिलिटी रूल को समझने का प्रयास करेंगे। संख्याओं की विभाज्यता का नियम समझने से पहले हमें डिजिट और नंबर में अंतर समझना होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, ये जो दी गई हैं 10 डिजिट होती हैं, इन्हीं डिजिटों से मिलकर के नंबर बनता है। एग्जाम्पल के तौर पर 15, 89, यह जो गिवन है यह संख्या है और जो 10 डिजिट है। अब हम आगे संख्याओं की विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले 2 से विभाज्यता। यदि इकाई का अंक 0 या सम संख्या हो तो हम यह कह सकते हैं कि वह संख्या 2 से विभाज्य है। यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि इनकी इकाई का जो अंक है वह सारे सम है या फिर 0 है। 3 से विभाज्यता का नियम यह कहता है, इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3, यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो। यहाँ 465 नंबर दिया गया है, इस नंबर पे 3 डिजिट हैं, इन 3 डिजिटों को प्लस करने पर 15 आता है। 15 क्या 3 से डिविजिबल है? यस, तो हम ये कह सकते हैं कि 465 जो नंबर दिया गया है वह 3 से डिविजिबल है। 4 का डिविजिबल चेक करने के लिए नियम यह है, यदि दी गई संख्या के अंतिम 2 अंकों से मिलकर बनी संख्या 4 से विभाज्य हो। इसका मतलब यह है कि कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना दी गई हो, इस संख्या के लास्ट के 2 डिजिट चेक कीजिए। इस 2 डिजिट क्या वह है 4 से डिविजिबल है? 64 4 से डिविजिबल है? यस, तो ये हम कह सकते हैं कि यह जो संख्या दी गई है वह 4 से डिविजिबल है। 5 से डिविजिबल का बहुत ही सरल रूल है, यदि आपका नंबर इंड्स होता है 5 में या 0 पे, तो आप देख के बता सकते हैं कि यह संख्या 5 से डिविजिबल है। 6 से डिविजिबल का रूल यह है, यदि वह संख्या 2 से और 3 से यानी दोनों से विभाजित हो तो वह संख्या हम कहेंगे कि यह 6 से डिविजिबल है। 2 का डिविजिबल रूल यह कहता है कि वह संख्या सम हो और 0 हो, तो ये संख्या सम है जिससे ये चेक हो सकता है कि यह संख्या जो गिवन है वह 2 से डिविजिबल है। और 3 का डिविजिबल यह कहता है यह जो संख्या गिवन है क्या वह 3 से डिविजिबल है कि नहीं, ये चेक करने के लिए हमें इसमें जो डिजिट दिए होते हैं, इसमें 3 डिजिट दिए हैं, इन 3 डिजिटों का जब प्लस करेंगे 4 + 0 + 8 = 12, क्या ये 12 3 से डिविजिबल है? यस, yes. उसी प्रकार हम 3 + 6 + 9 + 1 + 2 करेंगे तो हमको जो 21 प्राप्त होगा वह संख्या क्या वह 3 से डिविजिबल है? यस, yes. तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या 6 से डिविजिबल है। 7 का डिविजिबल रूल चेक करने के लिए कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना दी गई हो आप उसे स्टेप बाय सॉल्व कीजिए। स्टेप बाय सॉल्व करने के लिए आपको उस संख्या का लास्ट डिजिट देखना है। यहाँ पे 2429 गिवन नंबर है, इस 2429 गिवन नंबर में लास्ट डिजिट नंबर यह 9 दिया गया है, इस 9 का आप डबल कीजिए 18 आता है। उसे ये जो बची हुई नंबर दी गई है उससे माइनस कीजिए, इट मींस 242 से आप 18 को माइनस करेंगे तो यह संख्या प्राप्त होगी। अब यह संख्या को हम देख के नहीं बता सकते कि अब 7 से डिविजिबल है या नहीं, तो इसी नियम को फिर से दोहराएंगे। तो इसका जो लास्ट डिजिट है 4,
फोर का डबल करेंगे तो एट, और जो लास्ट में बची हुई संख्या है उससे माइनस करेंगे तो आ गया 14। ये संख्या बहुत छोटी है जो 7 के टेबल में आती है, तो हम आसानी से चेक कर सकते हैं। 7 का डिविजिबल रूल चेक करने का यही नियम है कि लास्ट के गिवन नंबर है उसका डबल करना है, और इस डबल किए गए नंबर का जो बची हुई ये संख्या होती है उससे माइनस करना है ताकि वह छोटा हो जाए और वह छोटी संख्या हमको समझ में आ जाए कि अब वह 7 से डिविजिबल है या नहीं। 8 से डिविजिबल का रूल यह है कि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंकों से मिलकर बनी संख्या 8 से विभाज्यता है या नहीं। हमें कुछ नहीं करना होता है, कितनी भी बड़ी संख्या दी गई हो उसके सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट को चेक करना है क्या वह 8 से डिविजिबल है। तो इस गिविन नंबर में देखिए 1, इसका 3 डिजिट 192 जो नंबर दिया गया है, या 8 से डिविजिबल है जो 24 टाइम्स ये कैंसिल हो जाता है। तो यस, ये कैंसिल हो गया मतलब डिविजिबल है, तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या 8 से डिविजिबल है। 9 से विभाज्यता का नियम यह है कि कितनी भी बड़ी नंबर दी गई हो उन सारे डिजिटों का यदि हम सम करते हैं तो प्राप्त जो संख्या होगी सम करने पर वह क्या 9 से डिविजिबल है। 9 का डिविजिबल रूल और 3 का डिविजिबल रूल दोनों सेम है। 10 का डिविजिबल रूल, यदि इकाई का अंक 0 हो तो आप देख लीजिए इकाई का अंक 0 है इनमें, तो यह संख्या 10 से विभाज्य है। 11 से डिविजिबल रूल चेक करने के लिए आपको गिवन नंबर को आप नंबरिंग कर दीजिए, यह जो नंबर दी गई है इसको नंबरिंग करते हैं, 7 का 1, 1 का 2 और 2 का 3 और 7 का 4, 5 नंबर में 3 है और 6 नंबर में 6 है, 7 नंबर पे 2 है। ऐसे आप नंबरिंग कीजिए और उसके बाद उस संख्या को नीचे लिख लीजिए। अब जितनी भी ऑड संख्या है, जितनी भी ऑड संख्या है, आप ऑड वाली जितनी भी नंबर हैं 1, 3, 5, 7 इनके नीचे जो संख्या लिखी हुई है यहाँ लिख लीजिए और सम कर दीजिए। जितनी भी इवन संख्या है ये नंबर वाले में 2, 4, 6 इनके नीचे जितनी भी सम संख्या के नीचे जो संख्या लिखी हुई यहाँ लिख लीजिए, इन दोनों का प्लस कीजिए और जो प्राप्त संख्या है इनका माइनस करने पर देखिए कि वह 0 आ रहा है नहीं। यदि 0 नहीं आता तो उसे 11 का गुणा जाना चाहिए, मतलब 11 का मल्टीप्लिकेटिव, मतलब इट मीन्स 11 के टेबल में आना चाहिए। इससे ये पता लगा सकते हैं कि वह संख्या 11 से डिविजिबल है या नहीं। इस प्रकार आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि वह संख्या 11 से डिविजिबल है या नहीं। आप नंबरिंग कीजिए और नंबरिंग के जस्ट नीचे इन संख्याओं को लिख लीजिए। इवन और ऑड वाली अलग अलग जो प्लेस में जो लिखी हुई संख्या है उन सारे डिजिट को आप प्लस कर लीजिए और जो संख्या आती है प्लस करने के बाद उसको माइनस कर दीजिए, वह 0 आना चाहिए। यदि 0 नहीं आता तो 11 का मल्टीप्लिकेटिव आना चाहिए।